गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गाइस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत लिख दीजिए फटाफट गाइस, जय हिंद लिख दीजिए फटाफट। देखिए कौन कौन एक्टिव है। वेरी गुड, शशि राजपूत, लकी के महेश रायपुरा, मोहम्मद आसिफ, अंजलि ठाकुर, वेरी गुड। सबका स्वागत है बेटा, सबका स्वागत है। शालिनी पॉल, कुमारी अमृता, मोहम्मद आसिफ, सबका स्वागत है। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पे मैं संजय कुमार शर्मा और लेट्स क्रैक डिफेंस की पूरी टीम आपका स्वागत करती है। मयंक पांडे, विक्रांत मंदिर, काशिफ अंसारी, रणधीर सिंह, अमित सिसोदिया, मैं तो हूं ही। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बिट्टू कुमार, निकिता राठी, तनु खंडेलवाल, सबका स्वागत है भाई, सबका स्वागत है। देखो भाई, 8 बजे का समय हो चुका है और हम लेके आ गए आपके सामने मैराथन सेशन। समझ रहे हो, मैराथन सेशन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे हम। मैं मेरा परिचय दे दूं, मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा, MA LLM डिप्लोमा इन फॉरेंसिक और लिंग्विस्टिक्स अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ। जैक में मेरा सिलेक्शन हो चुका है और 2 डिफेंस एकेडमी बेटा रन कर रहा हूँ। 15 साल का टीचिंग अनुभव है बेटा। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जब इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से तो आपको लगेगा दैट यू विल फील लाइक यू आर राइट इन द क्लासरूम। यू कैन चैट विद एजुकेटर, देयर आर इंटरेक्टिव पोल्स, यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर। करना बस इतना सही कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है आपको प्ले स्टोर में जाके। गेटिंग, चलते हैं आगे। और जब आप जानेंगे अनअकैडमी को, अभी जानने का बहुत अच्छा मौका बेटा, स्पेशल क्लासेस हो रही है हर एक एजुकेटर आपके लिए। कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक पूरे विश्व को घेर रखा है उसमें अपने बच्चे कहीं पढ़ाई से वंचित ना रहे जाए, इसके लिए स्पेशल क्लासेस फ्री अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रही है। तो आप स्पेशल क्लासेस के माध्यम से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जान सकते हैं बेटा। 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। 6 महीने उनके लिए जिनके पास समय थोड़ा कम है, फॉर एग्जाम्पल की उनके पास समय ही 6 महीने का हो, और जो बच्चे एकदम तरीके से और बहुत ही ड्यूरेबल, मतलब कि सर हमें तो काम निपटाना, हमें तो नगना है नौकरी, तो उनके लिए 12 महीने और 24 महीने का काफ़ी अच्छा रहेगा। 24 महीने का अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि जैसे मान लीजिए आप तो 12 महीने में नौकरी लग जाओगे, ढंग से पढ़ोगे तो इसमें कोई रोकने वाला है नहीं, लेकिन मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है तो वो भी इसको फायदा ले सकता है। तो 24 महीने का लेने में आपको 360 रुपये प्रति माह का ही चार्ज लगेगा। कब लगेगा? जब आप मेरा कोड यूज करोगे SKS Live बेटा, SKS Live मेरा जो कोड है ये जरूर इस्तेमाल कर लेना जब आप सब्सक्रिप्शन लें। तो टॉपिक अपना चल रहा है मैराथन सेशन, और मैराथन सेशन में कल हमने 2 घंटे डिस्कस किया था नाउन। टारगेट हम तो लेके आए थे नाउन और प्रोनाउन का, लेकिन नाउन ही पूरा नहीं हो पाया, तो चलिए आज नाउन को पूरा करते हैं। तैयार हैं सभी के सभी? आर यू रेडी गाइज? क्या सब लोग तैयार हैं? पीछे का भूल तो नहीं गए एक दिन में? अरे भूले तो नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ी ब्लैंक स्लाइड्स ले लेते हैं और जिनके माध्यम से हम कुछ आपको पढ़ा पाए। हमने बेटा कल काफी बातें डिस्कस की थी, हमने नाउन की परिभाषा देखी थी, इसको हम डन करते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया था नाउन की परिभाषा, नाउन के सभी प्रकार को हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया था और यहां तक कि सर याद ही कर लिया था स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है ये हमें मालूम चल गया, प्रॉपर नाउन क्या होता है ये हमें मालूम चल गया था कल वाली क्लास में, कलेक्टिव नाउन से संबंधित सारे रूल देख लिए थे, सभी ग्रुप देख लिए थे भाई। कलेक्टिव नाउन जैसे मान लीजिए म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहेंगे, बैंड कहेंगे, डायटर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, बोर्ड कहेंगे, गर्ल्स के वुमेन के ग्रुप को क्या कहेंगे, बेबी कहेंगे। इस प्रकार से हमने सभी चीजों को देख लिया था सर, ये भी हमारा क्लियर हो गया था।
ठीक है, मटेरियल नाउन क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया था। अब हम बात करते हैं जेंडर की, अब हम बात करते हैं जेंडर की, जेंडर की बात करते हैं। जेंडर में क्या आएगा, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। सर योर वॉइस इज सिमिलर टू पीएम। ओके चलिए, तो मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। पता नहीं सब लोग कहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है, पता नहीं क्या चक्कर है कि पीएम जैसी आवाज है कि नहीं, वो एक अलग कंसेप्ट है। बेटा देखो, नाउन ही जेंडर होता है। अब ये नाउन होगा तभी तो लिंग तय होगा। अब लड़का है, बॉय, लड़की है तो ये नाउन ही, तो इनका जेंडर तय होता है। मैस्कुलाइन मतलब लड़का, फेमिनाइन मतलब लड़की, कॉमन जेंडर मतलब जैसे कि टीचर। अब टीचर का टीचरी थोड़ा ना होगा भाई, है? यस स्वीटी रेडी, गर्ल्स आर एलिजिबल फॉर ओनली ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। आई विल गो थ्रू इट, बी अलाइव इन माई सेशन, आपको बताऊंगा पूरी चीज। अब टीचर का बेटा टीचरी थोड़ा ना होता है, और स्टूडेंट का स्टूडेंट ही थोड़ा ना होता है। अब जैसे मान लीजिए निकिता मेरी स्टूडेंट है, तो अब निकिता स्टूडेंट है, फीमेल है, तो स्टूडेंट ही तो होने से रहा। अब चाहे निकिता हो, चाहे बिट्टू कुमार हो, चाहे रवि हो, चाहे तनु हो, सारे मेरे क्या हैं, स्टूडेंट ही तो हैं। तो ये क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, जो न्यूट्रल, जैसे कि निर्जीवों के लिए न्यूट्रल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा अब देखो बेटा, दिक्कत कहाँ आती है, कई बार परीक्षा में ऐसे सवाल आ जाते हैं जो हम समझ नहीं पाते कि यार ये पूछ कैसे लिए इन्होंने। जैसे कि अब ड्यूक है, ड्यूक का फेमिनाइन क्या होगा, डचेस, कईयों को नहीं मालूम। अब ड्यूक का क्या होगा, डचेस होगा। ड्यूक क्या होता है, एक तरह से राजा होता है, महन राजा होता है, तो राजा की रानी क्या होगी, डचेस होगी। होस्ट मेजबान, तो होस्टेस सत्कारिणी। अब सत्कारिणी को क्या कहेंगे, होस्टेस कहेंगे। मैन सर्वेंट है, तो मेड सर्वेंट। अब सर्वेंट तो कॉमन हो गया, और यहाँ पे मैन और मेड बदल गया। बेटा ये भी आता है कई बार, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ध्यान रखना। रैबिट का बक रैबिट, डो रैबिट, बुल काफ, काऊ काफ। अब गधे के लिए जैक और जेनी लग जाएगा। पिकॉक मैस्कुलिन है, तो पीएन। बेटा एक बार इनको क्या करना, आप जैसे कल मैंने आपसे एक प्रॉमिस लिया था ना कलेक्टिव नाउन के लिए, एक बार इनको भी यार नजरों से निकाल लेना, यार मेरी बात समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा था बेटा कि सारे कलेक्टिव नाउन एक बार नजरों से निकाल लेना, तो एक बार ये मैस्कुलिन और फेमिनाइन भी नजरों से निकाल लेना, इनमें कोई ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अब पिकॉक का क्या होता है, पीएन होता है, थोड़ी जानकारी रख लो यार, क्योंकि ये कई बच्चों को पता नहीं होता कि भाई पिकॉक का पीएन भी होता है क्या, फेमिनाइन, है ना। तो मिल्कमैन मिल्कमेड, लैंडलॉर्ड मकान मालिक, अब लैंड लेडी मकान मालकिन, ठीक है। लैड लैस, प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूटरी, सुल्तान सुल्ताना, बोर सो, कोल्ट फिली, बक डो, अर्ल काउंटेस, मोंक नन, जेंडर गूज, फॉक्स विक्सन। अब विक्सन देखो, ये एग्जाम में आया हुआ है, विक्सन का मतलब फॉक्स का फीमेल। अब ये फॉक्स का फीमेल क्या होता है, विक्सन होता है। तो ये सब, ये बेटा एक बार ये देखने वाली चीजें हैं, इनको आप एक बार नजरों से निकाल लेना बेटा। जार जैरीना, बैचलर मेड, कॉक हैन, हाँ ड्रेक अब ड्रेक डक, डक का, अब डक फेमिनाइन है, डक क्या है, फेमिनाइन। अब मान लीजिए किसी किसी कंप्रेहेंशन में ड्रेक आ गया, अब आपको ये समझने में टाइम लग गया कि ये ड्रेक होता क्या है, ठीक है। अब बी हो गया मधुमक्खी, अब ड्रोन जो उड़ता है ना, वो मधुमक्खी जैसे आवाज करता है, तो वो मधुमक्खी का देख लो मैस्कुलाइन। अब एक बात बताऊं आपको, हमें हिंदी में नहीं पता कि मधुमक्खी के मैस्कुलाइन को क्या कहते हैं, कोई बता पाएगा, बताओ देखे, कोई बता पाएगा, मधुमक्खा, ये थोड़ा सा अजीब लगता है ना भाई, हमें मालूम ही नहीं है कि कैसे क्या करे, लेकिन एग्जाम में आ जाता है। अब ड्रोन आ गया, तो आप क्या समझोगे, ड्रोन किस कौन से जीव की बात चल रही है, या तो हम आइडिया लगाएंगे, आइडिया लगाएंगे पैसेज के माध्यम से, तो ड्रोन आ गया। ब्राइड ग्रूम ब्राइड, तो देखो इजी है, लॉर्ड और लेडी आ गया। विडोवर विडो, विजार्ड विजार्ड क्या, तांत्रिक वगैरह, जादूगर विच, जादूगरनी, समझ रहे हो। तो वही बात है, ये सब चीजें ध्यान में रखना है। खैर, तो जेंडर वाली बात तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस लिया, सबसे जरा प्रॉमिस तो कर दो यार, प्रॉमिस कर दो कि सर एक बार हम नजरों से निकाल लेंगे सर ये, है ना, प्रॉमिस कर दो। हाँ बवरे को ड्रोन कह देंगे भैया, बवरे को ड्रोन कह देंगे, बवरे को ड्रोन कह देंगे, है ना तनु। बतक, बतक का वो मैस्कुलाइन,
बतक्की मेंस कुलाइन क्या होता है आप देख लेना, देख लेना बेटा ये सब, है ना। ये सब क्या है, जेंडर वाली चीजें आपको जानकारी में रख लेनी चाहिए। लैंग्वेज के इसमें बड़ा लुच्चा आता है कि हिंदी में भी कई शब्द ऐसे जो हम नहीं जानते, है ना, बस नजरों से निकालना है। अब चलो बेटा, नाउन नंबर सिंगुलर और प्लूरल, है ना, इसके बाद में हम नाउन एज एपोस्ट्रोफी एस वाला नियम पढ़ेंगे, वो बाकी रह गया था अपना, ये फटाफट निकाल देते हैं। अब बस का प्लूरल क्या होता है, बसेज होता है, वॉच का वॉचेज होता है, एस का एसेज होता है, कैनवास का कैनवासेज होता है। ये तो हो गया चलो कि भाई एस डबल एस सी एच एस एच जेड और एक्स अगर आ जाता है जैसे बॉक्स, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, तो बॉक्सेज हो गया। चलिए बात तो क्लियर है सर, है ना, ये तो क्लियर हो गया कि बाई एडिंग ई एस। लेकिन स्टोमक, अब कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि भाई स्टोमक का प्लूरल क्या है, चार ऑप्शन दे दिया है, अब ई एस वाला दे दिया। बेटा एग्जाम है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है यार, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, मेरी बात समझो आप। अब स्टोमक है तो आपने नियम पढ़ रखा है कि सी एच लग गया, तो सी एच लग गया तो हम ई एस लगा देंगे। अरे नहीं भैया, ये एक्सेप्शन है। देखो मैं आपको क्या है कि पूरा पूरा पढ़ाने के चक्कर में आया हूं, मेरी बात समझ रहे हो, कल भी 2 घंटे पढ़ाया, आज पता नहीं कितने घंटे पढ़ाएंगे, घंटे डेढ़ घंटे जितना भी पढ़ाएंगे, तो मैं आपको पूरी चीजें क्लियर करने के लिए आया हूं। तो बेटा कल को आपसे पूछ लेगी यार स्टोमक का प्लूरल क्या होता है, तो आप वहां अटको नहीं, आप बताओगे ये तो अपवाद है, एक्सेप्शन है कि इसमें ई एस नहीं लगेगा, इसमें एस लगेगा। रेडियस, अब लगने में क्या लग गया, एस लग गया, ई एस लगना चाहिए लेकिन नहीं, रेडी होगा। लोकस लोकी, यह याद रख लो यार, रेडियस का रेडी होगा, लोकस का लोकी होगा, स्टोमक का स्टोमस होगा, ठीक है, तो एस लगेगा। अब देखो बेटा एस ही क्राई, वाई वाले क्या, आई ई एस, क्राई क्राइज, सिटी सिटीज, डिक्शनरी डिक्शनरीज, रिप्लाई रिप्लाईज, की कीज, वैली वैलीज, स्टोरी स्टोरीज, मंजिलों की बात चल रही है, ठीक है। ऐसे हीरो हीरोज, मॉस्किटो मॉस्किटो, अच्छा क्या ओ लग गया तो ई एस, नाउन एंड ओ अल्फाबेट एंड बिफोर एनी कॉन्सोनेंट देन एडिंग ई एस, तो हम क्या करेंगे, ई एस ओ को हटाकर क्या कर देंगे, और ओ को लगाते हुए हम क्या कर देंगे, ई एस कर देंगे, एड कर देंगे, इसमें हटाएंगे नहीं, एड कर देंगे। पीछे वाले में तो हमने क्या किया था, वाई हटाया था, पीछे वाले में तो हमने तो क्या किया था, वाई हटा के क्या किया था बेटा, आई ई एस लगाया था। आगे वाले में हम क्या है, जो ओ है उसको रखेंगे और उसमें क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। मॉस्किटो का मॉस्किटोज हो गया, पोटैटो का पोटैटोज हो गया। लेकिन इसमें भी अपवाद है, मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कि फोटो का प्लूरल बताओ, फोटो का प्लूरल बताओ, देखिए फटाफट फोटो का प्लूरल टाइप करके बताओ, फोटो का प्लूरल क्या होता है जरा बताना बेटा, हाँ मैं देख रहा हूं सब, फोटो का प्लूरल क्या बताओगे, देखिए सबने सही बताया, महेश रायपुरा, एक्सिस का प्लूरल बेटा एक्सेस होता है, एक्सेस ए एक्स ई एस, है ना, ठीक है महेश, क्या कहां गया महेश रायपुरा, बेटा क्लियर हो गया तुम्हारा, एक्सिस का प्लूरल ए एक्स ई एस, ओके। चलिए देखो डायनो ये आ गया ना, डायनामो का डायनामोज, रेशियो का रेशियोज, और फोटो का फोटोज। अब कई बच्चे ऐसे कर देंगे ई एस लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा, ये अपवाद है बेटा, ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं सब, ये सारी ध्यान में रखने वाली बात है। फिर आता है नाउन एंडिंग एफ और एफ ई, अब देखो काफ एफ आ गया तो हमें इसको हटा के क्या करना है, वी ई एस लगा देना है। वाइफ का प्लूरल क्या होगा, वाइफ्स, लीफ का क्या होगा, लीव्स, हाफ का क्या होगा, हाफ्स, अब ध्यान रखना हाफ्स होगा, ये सब बातें ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसमें भी एक्सेप्शन है, बिलीफ में एफ नहीं हटेगा और एस लग जाएगा, रूप में एफ नहीं हटेगा, एस लग जाएगा, एफ नहीं हटेगा चीफ में और एस लग जाएगा। अब कल को आप ये से कर दो चीफ्स, ये गलत हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना, ये इसमें कोई नियम कायदे नहीं है, सुन लेना कान खोलकर, देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, यू हैव टू गो थ्रू इट, एक बार नजर से निकाल दो याद हो जाएगा, बस एक बार नजर निकाल दो। अरे हर चीज को रटने थोड़ा ना बैठेंगे, एक बार ये तो सब नजर से निकालने वाली बात है, भी लीव का लीव्स होता है, हाफ का हाफ, अच्छा ये अपवाद देख लो, एक्सेप्शन, और देखो छटनी करके मैं आपके सामने लेके आ गया हूं, इनको थोड़ा सा ध्यान से रख लेना, बस ध्यान से रख लेना, है ना। अच्छा नाउन नंबर सिंगुलर प्लूरल की अगर हम बात करें, इन कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन मतलब कई नाउन जुड़ के बने हुए नाउन, तो उसमें क्या करना है, जैसे ब्रदर इन लॉ है तो
साला है, तो अब साले तो बहुत सारे साले, तो क्या करेंगे, ब्रदर्स इन लॉ कर देंगे, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, मेंबर ऑफ, तो मेंबर्स ऑफ, मैन हैटर, मैन हैटर्स, वुमेन लवर, वुमेन लवर्स, ये मत कर देना वुमेन, है ना, ये मत कर देना आप, है ना, ये प्लूरल मत कर देना यहाँ पे, वुमेन लवर, वुमेन लवर्स। देखो मैं आपसे भी आगे क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखना ये, वुमेन लवर का वुमेन लवर्स, मैन हैटर का मैन हैटर्स, ओके। पीहन, पीहन्स, बेटा क्या नाम है, कुमारी अमृता, ये वो हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, आए हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली आते हैं, बाकी तो और हैं ही। आप तो एक काम करना, एक शीट है पूरी, आप जाना गूगल पे टाइप करना और पूरी निकल जाएगी आराम से, उनको एक बार देख लो, बस सरसरी निगाहों से एक बार दो बार देख लो, सब याद हो जाएगा आपको, ओके। तो ये वो हैं जो एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं और उनको मैंने बताया है। अब जैसे देखो, सम टिपिकल प्रोनाउन, मैन का मैन, फुट का फीट, माउस का माइस, गूस का गीज, टूथ का टीथ, हाँ, लोस का लीज, ओएसिस का ओएसिस, ऑक्स का ऑक्सन। बेटा ये भी ध्यान रखना, इनमें ऐसे ही प्लूरल है जो ना तो एस आई एस से होता है ना आई ई एस से होता है, ये तो अपना ही फॉर्म अलग रहते हैं, जैसे मैन का मैन हो गया, फुट का फीट हो गया, माउस का माइस हो गया। बच्चे लोग क्या करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, इनके ऊपर ध्यान नहीं देते और नियम पढ़ने लग जाते। हाँ ठीक है, नियम पढ़ो, नियम पढ़ना जरूरी, लेकिन एक बार इनको भी देख लो भाई, कल को एग्जाम में ये आ गए, स्पोर्ट दायरे में आ गए और आप इसकी तरफ तो नजर ही नहीं गई, और फिर पता चले रहे यार इतना इजी था, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, इतना इजी था। तो बेटा ध्यान रखना, लव्स लाइज, जुओं की बात चल रही है, ओएसिस, ये जो रेगिस्तान में जो पानी का मिलता ना उसको ओएसिस कहते हैं, अभी बहुत सारे मिल जाए तो ओएसिस हो गया, ऑक्स का ऑक्सन हो गया, डेटम, अब देखो डेटम जो आप यूज करते हो ना, डेटा डेटा, वो प्लूरल है, उसका सिंगुलर क्या होगा, डेटम होगा, ओवा ओवम, एजेंडा एजेंडा का एजेंडम, डिक्टा डिक्टम, स्टार्टर स्टार्टा का स्टार्टम, फिनोमिना फिनोमिना का फिनोमिनन, सिलेबस, अच्छा आप जो सिलेबस यूज करते हो वो तो है सिंगुलर, सर पर्टिकुलर इसका सिलेबस बताओ सर, अब दो चार चीजों का सिलेबस पूछ रहे हो तो वो क्या हो गया, सिलेबी बताओ सर, सिलेबी हो गया प्लूरल, ध्यान रखना। और हमारे जबान पे सिलेबस सिलेबस छाया हुआ है, कई बार बच्चे एक दो तीन चार एग्जाम के जो सिलेबस पूछते हैं तो वो सिलेबस बहुत सारे हो गए, तो उसको हम क्या यूज कर सकते हैं, सिलेबी, ओके, गेटिंग, चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। चलिए कल हमने 5 क्वेश्चन देखे थे, अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन पे, इससे हम करेंगे प्रैक्टिस, ओके। इससे पहले एक बात और बताना चाहता हूं, चलो मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं आपको। चलिए बेटा, अब तक हमने जो देखा वो ये था कि नाउन के 5 प्रकार, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। फिर हमने नाउन के जेंडर को सरसरी निगाहों से देख लिया, जेंडर मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर, और फिर हमने नंबर्स देख लिया, सिंगुलर और प्लूरल देख लिया। चलिए ये हमने ये तो दो सरसरी निगाहों से देख लिया, और इसको हमने कल पूरे 2 घंटे जम के इसकी पढ़ाई की। अब मेरी बात सुनो, अब आएगी एक बात और कि नाउन एज पोजेशन, संबंधबोध के रूप में, या फिर आप कह दो कि एपेस्ट्रोपी एस का यूज, एपेस्ट्रोपी एस का यूज, एपेस्ट्रोपी एस जानते हो बेटा क्या होता है, जानते हो, ये एपेस्ट्रोपी एस, ओके। तो ये एपेस्ट्रोपी एस का प्रयोग देखते हैं जरा, तैयार हो, देखो बेटा नाउन लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है, नाउन का खेल समझना, नाउन जो है लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग होता है, तीसरी कोई चीज नहीं होती इसके अंदर, लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है, या तो सजीव होगा या निर्जीव होगा, तीसरी कोई बीच की चीज नहीं है, अगर बीच की चीज कोई है तो वो आती है क्या, पर्सोनिफिकेशन, वो क्या आती है बेटा, पर्सोनिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, निर्जीव को भी सजीव का रूप दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं मानवीयकरण, मानवीयकरण कहते हैं बेटा, समझ रहे हो। तो ये चीज जान लो कि नाउन जो है वो लिविंग होता है या फिर होता है नॉन लिविंग होता है, अगर तीसरी कोई चीज होती है तो वो होती है पर्सोनिफिकेशन। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग, मेरी बात समझ रहे हैं, जरा यस सर करते जाओ ताकि मैं देखता जाऊं, हाँ भाई समझ में आ रहा है। तो पर्सोनिफिकेशन,
पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण। जब निर्जीव को, निर्जीव के अंदर जान फूंक दी जाती है, अब कोई जादूगर तो है नहीं जो जान फूंक दे, मतलब निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, जैसे इंडिया को माता मान लिया, भारत माता, जैसे प्रकृति को माता मान लिया, प्रकृति का कोई एड्रेस थोड़ा ना है, कोई औरत थोड़ा ना जिसका एड्रेस है यहाँ पे कि भाई यहाँ मिलती है प्रकृति। प्रकृति तो क्या है, नॉन लिविंग है। सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन उसको हमने क्या मान लिया, परसोनिफाइड कर दिया। तो बेटा लिविंग होता है या फिर होता है नॉन लिविंग, और बीच की कोई कड़ी होती है तो उसको बोलते हैं परसोनिफिकेशन। अब जरा इसको पढ़ते हैं हम बड़े मजे से, बड़े मजे के साथ पढ़ेंगे कि देखो इसमें सर एपोस्ट्रोफी एस में इसका खेल क्या आया। तो पहला नियम समझो कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग लिविंग नाउन के साथ ही होता है। का प्रयोग लिविंग नाउन के साथ ही होता है, लिविंग नाउन के साथ ही होता है, बिल्कुल लिविंग नाउन के साथ होता है। अगर मैं कहूं कि राम की पत्नी, राम्स वाइफ, तो राम की पत्नी हो गई, ठीक है भाई, या फिर कह दो वाइफ ऑफ राम। अच्छा इसके दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता दूसरा ये रास्ता, दूसरा रास्ता ऑफ से बनता है और एक रास्ता बनता है एपोस्ट्रोफियस। हाँ सृष्टि राजपूत, चंदा मामा, चंदा मामा पर्सोनिफाइड कर दिया चंदा मामा को, ठीक है। अब देखो बेटा, राम्स वाइफ, राम की वाइफ, राम की पत्नी, और वाइफ ऑफ राम हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि राम की पत्नी, राम का के की का अर्थ आ रहा है। ओके वेरी गुड। या तो इससे जैसे हम बचपन से बोलते रहे हैं सर फादर्स नेम, पिताजी का नाम, और कई बार जच जाती है हमारे तो नेम ऑफ फादर भी कह देते हैं, लेकिन अधिकतर फादर्स नेम ही बोलते हैं। अब बोलने में फादर्स बोल रहे हैं हम, फादर्स ऐसे तो ना बोलते हो, फादर एपोस्ट्रोफी एस और फिर नेम, अब बोलने में फादर है, फादर्स है ना, फादर्स नेम। तो अगला सुनने वाला कॉमन सेंस रखेगा कि यहां पे ये पिता का प्लूरल तो बना नहीं रहा कि पिताओं के नाम, ये तो जरूर पिता का नाम, मतलब का कार देख रहा, तो ये लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होती है बेटा, ये लैंग्वेज की क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि यहां पे अगर वो फादर्स नेम बोल रहा है तो फादर का प्लूरल थोड़ा ना बोल रहा है, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, पिताजी का नाम ही बोल रहा है। अब ये नहीं बोलोगे फादर ऊपर वाली कोमर फिर एस, ये तो चीज बोलोगे नहीं, तो वो फादर्स नेम क्या हो गया, ये अपने आप में क्या संबंध बोधक है। आप अगले वाले के अगर कॉमन सेंस में ये नहीं है तो वो मूर्ख है। खैर इज दिस क्लियर। तो ये हो गया एपोस्ट्रोफी एस, और ये सजीव के साथ आता है ना, ये हो गया सजीव के साथ, मेरी बात समझो, सजीव के साथ हो गया। अब इसमें निर्जीव के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, देखो मैं आपको बताता हूं, क्लियर कर देता हूं आपको कि निर्जीव के लिए आता है। जैसे मैंने कहा कि लोहे की टेबल, आयरन टेबल, अब लोहे की टेबल गलत है, ये टेबल ऑफ आयरन। अच्छा इसके लिए बेचारे के लिए एक ही रास्ता है, टेबल ऑफ आयरन, ये नहीं आएगा, आयरन टेबल नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, नहीं आएगा, निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एक रूल क्लियर हो गया सर हमें कि लिविंग के साथ होगा और नॉन लिविंग के साथ नहीं होगा, डन। एक नियम क्लियर। दूसरा नियम कि आपको सिंगुलर और प्लूरल का अंतर पता होना चाहिए, है ना, सिंगुलर और प्लूरल का अंतर कैसे सर, बताता हूं कैसे। बताता हूं कैसे, अब सुनना, सिंगुलर और प्लूरल का अंतर। अब अगर मैं आपको कहूं बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, तो बेटा ये गलत है। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं लड़कों का हॉस्टल, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो लड़कों का हॉस्टल है भाई, तो ये सही है। कौन सा सर, क्या अंतर दोनों में, अंतर तुम देखो, अंतर नहीं दिख रहा, बी ओ वाई एपोस्ट्रोफी एस, ये गलत है। तो पहले तो मैंने लड़कों किया, अच्छा लड़कों कर दिया ये रहा, फिर क्या कर दिया का, तो ये हो गया बॉयज हॉस्टल, गेटिंग। तो सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल का भी तो जानकारी आपको होनी चाहिए भाई, है ना। इसको थोड़ा और स्पष्ट लिख देते हैं, आपको घबराहट ना हो। बॉयज हॉस्टल गलत है किस संदर्भ में, लड़कों के हॉस्टल के संदर्भ में, और बॉयज हॉस्टल ये एकदम चकाचक है, ये एकदम सही है, गेटिंग। अब आप लोग गए होंगे कभी ना कभी बाजार में गए होंगे, वहां लिखा होता है मेंस वियर। अब ये बेटा ये गलत है कि सही, कोई बताएगा मुझे, मेंस वियर कोई मुझे बताएगा, एम ई एन एपोस्ट्रोफी एस मैंने लगा दिया, बेटा ये सही है कि गलत, जरा बताना। हाँ नीरज जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है। अब बताइए देखें, ये जो मेंस वियर हमने लिखा है वो क्या सही है,
तनु कह रहे हैं रॉन्ग है। महेश कह रहे हैं कि रॉन्ग है। अब बेटा समझना इस चीज को, ये सही है ये गलत नहीं है। देखो मेंस वियर, अब मैन का प्लूरल बनाओ पहले, तो अभी आपको पढ़ाया है मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन होगा। मैन का प्लूरल तो क्या होगा, मैन होगा। अब मैन होगा तो इसमें तो एस पहले से आया ही नहीं है। अब भाई बॉय में तो एस पहले से आ गया था, बॉय में तो एस पहले से आ गया था, मैन में तो एस आया ही नहीं, तो हमें एस लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नाउन जिसमें पहले से एस मौजूद हो, ऐसा नाउन जिसमें पहले से एस मौजूद हो, मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा नाउन जिसमें पहले से एस मौजूद हो उसमें तो क्या लगा दो, एपोस्ट्रोफी लगा दो। और ऐसा नाउन जिसमें एस है ही नहीं प्लूरल बनाने पे तो लगा दो, तो क्या कर दो, लगा दो। ज्योति तुम्हारा गलत है, तुम्हारा गलत है यहां पे, ये मेंस वियर ये सही है। ज्योति शर्मा आपका गलत है भाई, है ना, क्योंकि देखो मैन का प्लूरल में एस आता ही नहीं है, मैन के प्लूरल में आता ही नहीं है एस, एस लगाना पड़ेगा एपोस्ट्रोफी एस। हाँ अगर किसी में पहले से ही आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे गर्ल्स, गर्ल्स हॉस्टल, ये लो गर्ल में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। गॉट इट, चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया आपको, बहुत अच्छा लगा आपको, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, अब बात आती है पर्सोनिफिकेशन की। बेटा ये एक एक मैंने लिखा है सन्स रिवेंज, सूर्य का बदला, सूर्य का बदला, रिवेंज समझते हो ना, बदला लेना है ना, सूर्य का बदला। मुझे एक बात बताओ बेटा, रिवेंज सजीव ले सकते हैं कि निर्जीव, मुझे बताना, लिविंग ले सकते हैं कि नॉन लिविंग, जरा बताना बेटा। अरे भाई बदला कौन लेगा ये बताओ। मैंने इस लैपटॉप को मारा चांटा, अब ये मुझे चांटा थोड़ा ना मार देगा। निर्जीव कभी बदला ले सकता है क्या, नहीं, निर्जीव बदला नहीं ले सकता, हाँ लिविंग ले सकता है। अब अगर ये सूर्य बदला ही ले रहा है, अगर ये सूर्य बदला ही ले रहा है तो ये सूर्य जो है ये पर्सोनिफाइड हो गया भाई, ये सूर्य क्या हो गया, पर्सोनिफाइड हो गया भाई, पर्सोनिफाइड हो गया मतलब मानवीकृत हो गया। क्यों हो गया मानवीकृत, क्योंकि सर ये बदला ले रहा है, और सर बदला कौन लेता है, सजीव लेता, तो ऐसी क्रिया लगाने की जरूरत कहां पड़ गई आपको, अगर आपको इसको पर्सोनिफाइड नहीं करना है। अरे भाई लगा है तो रिवेंज तो सही आया है, तो सर भी फिर ये सन के साथ जो एपोस्ट्रोफी है ना, ये जो एपोस्ट्रोफी है ये भी सही है सर। अब प्रकृति का प्यार, अब प्रकृति भी प्यार करती है क्या सर, प्यार तो सजीव करते हैं, तो हाँ प्रकृति भी करती है भाई, प्रकृति हमारी माँ है और माँ हमसे प्यार करती है, तो प्रकृति को क्या मान लिया आपने, माँ मान लिया। अरे कुछ भी माना हो यहाँ पे सजीव माना आपने, क्योंकि आपने यहाँ पे ऐसी क्रिया लगा दी जो कि एक सजीव ही कर सकता है, तो डन है भाई, क्लियर हो गया कि ऐसी क्रिया जो सजीव ही कर सके और उसके साथ निर्जीव का प्रयोग हो जाए तो इसका मतलब वो निर्जीव नहीं रहा, वो क्या बन गया, सजीव बन गया। इज दिस क्लियर। देखो न्यू ईयर्स ओकेजन जो आपने लिखा है ना काजल शर्मा, आपने जो लिखा है न्यू ईयर्स ओकेजन है ना, ये जो आपने लिखा है ये गलत है। अब आपको इसको क्या करना है, ओकेजन ऑफ न्यू ईयर कर दो, न्यू ईयर्स ओकेजन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। हाँ अगर आप जो है स्पोकन में बोल रहे हो, स्पोकन में तो देखो चलता है बेटा, स्पोकन इनफॉर्मल है वो चल सकता है, ग्रामर में यूज ना करें आप, क्योंकि बेटा यहां पे ओकेजन को हमने कहीं भी पर्सोनिफाइड नहीं किया है ना। अब मैंने कहा इंडियाज ग्लोरी, अब इंडियाज ग्लोरी ये सही है ना, इंडियाज ग्लोरी सही है, कि ग्लोरी किसकी होती है, सजीवों की होती है, अभी इंडिया की होगी, चलो भैया इंडियाज ग्लोरी हो गई, मेरी बात समझ रहे हो आप बेटा। ये जो यूज कर रहे हैं ना हम तनु खंडेलवाल, ये हम रूटीन में यूज करते हैं, ओके, वो एक ही बात हो गई, ऊपर काजल वाली और तुम्हारी एक ही बात हो गई। अब
इसको जब तक ग्रामर ये नहीं मानती कि वो इसको पर्सोनिफाइड नहीं किया तब तक नहीं करते। अब आप कई किताबों में दिया हुआ है कि कंट्री के साथ कर लो, तो कंट्री के साथ तब होगा जब उसको पर्सोनिफाइड किया जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंट्री के साथ कर लो इसका मतलब कंट्री के साथ वो करने लगे, उसमें कहीं ना कहीं अंश आएगा पर्सोनिफिकेशन का। ओके, इज दिस क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन पे बढ़े आगे बेटा। ग्रामर में गलत है। अब चलें क्वेश्चन पे। अब देखते हैं आप में कितना है दम। अब देखो आपके सामने मैं लाऊंगा कितने क्वेश्चन लाऊंगा, देखो 6 से शुरू करेंगे ना, चलिए 15 क्वेश्चन का एक सेट लेके आऊंगा अभी। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर आते हैं, तो 15 में से मुझे कितने चाहिए, कम से कम पास होने के लिए 10 तो चाहिए ही चाहिए, आपके 10 नंबर तो आने चाहिए। तो आप लोग सब तैयार हो क्या टेस्ट के लिए? सब लोग तैयार हो क्या? सोनी कश्यप हेलो हाय, सब लोग तैयार हैं? यस सर कर दो, तैयार हो तो। अरे भाई फटाफट फटाफट, जितनी एनर्जी के साथ क्लास चल रही उतनी एनर्जी के साथ जवाब भी तो चाहिए। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने कहाँ गया, ये रहा। चलिए छठवा बताइए भाई फटाफट, छठवे में क्या होगा? छठवा बताइए और सब लोग मुझे स्कोर बताएंगे लास्ट में अपना। नीरज ठाकुर ने बताया है बी। ए फाइन मैन कमिटी हैड ए 3 आवर्स मीटिंग यस्टरडे। अब इसमें फंस गए कुछ बच्चे, एक मीटिंग हुई वो कितने घंटे की हुई, 3 घंटे की हुई। चलो ठीक है, ये तो सही है। ए फाइव मैन कमिटी, कमिटी कितनी, ए 5 आदमियों की कमिटी। यार कमिटी तो एक ही हो गई ना, ये एक मुश्त हो गई, मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पे फाइव मैन होगा, यहां पे फाइव मैन होगा, छठवें में क्या होगा, ए होगा। बेटा समझना इस चीज को, मैं वो ले लेता हूं, एक स्लाइड ले लेता हूं, देखो एक स्लाइड ले लेते हैं खाली। हाँ मुझे पता था ये लॉजिक तो सर मीटिंग में भी लग सकता है। बेटा कमिटी इज कलेक्टिव नाउन, कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब समझना, समझ रहे हो, कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है और उस कमिटी, कमिटी कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कमिटी किससे बनी होती है, मेंबर से बनी होती है, बिल्कुल। और यहां पे हमने कमिटी की बात की ही है, और कितने आदमी हैं, फाइव। अब समझना बेटा, सब लोग समझना, यहां पे उसमें अंतर क्या हुआ, ये कलेक्टिव नाउन का संदर्भ है नीरज, ये कलेक्टिव नाउन का संदर्भ है। कमिटी याद है क्या, कल की क्लास, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, और कलेक्टिव नाउन क्या होती है, एक यूनिट होती है, एक क्या होती है, यूनिट होती है। और यूनिट होने की वजह से यहां पे क्या हो गया, पहली बात तो यहां पे आर्टिकल ए लग गया, चलो ए तो लग गया, वेरी गुड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ए तो लग गया। बट इसके साथ साथ कमिटी का लॉजिक भी ये बैठता है कि कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है।
ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? आगे बढ़े। और हमेशा ध्यान रखो, कलेक्टिव नाउन का संदर्भ ध्यान रखना इस संदर्भ में, ठीक है? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, तभी तो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। चलिए सातवां बताइए। चलिए सातवां बताइए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सेवेंथ बताइए। अब बेटा ये जो है ना, ये सातवां, ये खुद अजीब और गरीब है बेचारा। ये तो क्या, छठवे को क्लियर करने के लिए, मेरी बात समझ रहे हो, छठवे को क्लियर करवाने के लिए जबरदस्ती ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब ऑल एन लग गया और यहां पे क्या हो गया, पार्टीज नहीं होगा, क्या होगा, पार्टी होगा, ये तो कोई भी बता सकता है, समझ गए? ये तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आप तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे इसको, क्योंकि पहले बात तो ये अजीब ही लग रहा है शुरुआत से। एन ऑल पार्टी, एन ऑल पार्टी क्या होता है यहां पे? एन इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन लग रहा है, ठीक है, और यहां पे इसको एक चीज बताने के चक्कर में क्या कर दिया, यहां पे पार्टी लगा दिया, ठीक है। आगे चलिए आठवें में। हाँ निकिता राठी, एक बार ये हो जाए दसवां, फिर वापस छठवें पे आ जाएंगे। एक बार दस हो जाए फिर वापस छठवें पे आ जाएंगे। चलिए आठवां बताइए। देर इज टू वेज ट्रैफिक हियर, सो नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक ब्लॉकेज। स्वाभाविक सी बात है, यहां पे क्या आ गया, टू वे होगा ना कि टू वेज। यहां पे क्या होगा, टू वे, देर इज टू वे, ओके, टू वेज नहीं होगा, देर इज टू वे ट्रैफिक हियर। ये नाउंस की एरर है बेटा। टू वेज नहीं होगा बेटा, टू वे होगा, ओके। चलिए नौवा, हाउ कैन आर कंट्री एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी। हाउ कैन आर कंट्री एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी। थ्योरी तो एक ही है, क्या आएगा, नेशंस नहीं आएगा ना। वेरी गुड, सब सही बता रहे हैं, सबका जवाब फटाफट आ रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। टू नेशंस नहीं होगा, क्या होगा, नेशन होगा। वेरी गुड, लगभग लगभग सब बच्चे सही बता रहे हैं। अब आपको एक बात बताऊंगा बहुत काम की, दसवें प्रश्न में, ही हैज गॉन टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल। एरर होगा कि नहीं होगा इसके अंदर, दसवें में, दसवें में दसवें में क्या होगा, जरा बताना बेटा। ही हैज गॉन टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल, दसवें में सी होगा। अब सुनना, वेजिटेबल और वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर बोथ आर करेक्ट, काउंटेबल होते हैं, बट सेंस, इसका सेंस देखना बेटा, इसका सेंस देखना। वो परचेज करने गया है, अब देखना इसमें इंग्लिश में देखो कितनी कितना कलरफुल इंग्लिश। अब देखना, वो परचेज करने गया है वेजिटेबल्स, कारण परचेज करने गया है वो। अगर वो एक ही प्रकार की वेजिटेबल खरीदता तब तो, अगर वो वेजिटेबल ही खरीदता तो वो वेजिटेबल का नाम बोलता, टोमेटोज, पोटैटोज, ठीक है, कैरेट्स, वो नाम ही बता देता।
अगर एक ही प्रकार की वेजिटेबल खरीदता तो एक का नाम ही बता देता ना। मेरी बात समझ रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे वो वेजिटेबल्स खरीदने गया, इसका मतलब वो गाजर भी खरीदेगा, मूली भी खरीदेगा, टमाटर भी खरीदेगा, सब खरीदेगा। अच्छा, अगर वो एक ही प्रकार की वेजिटेबल खरीदता, एक ही प्रकार की, तो वो वेजिटेबल ना बोलकर क्या बोलता, क्या बोलता वो? वो उसका नाम बोलता, उसका नाम बोलता कि वो टमाटर खरीदने जा रहा है, वो आलू खरीदने जा रहा है, वो गाजर खरीदने जा रहा है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत काम की बात है ये। अब एक बात सुनना, वेजिटेबल भी सही है बट इस संदर्भ में, लेकिन इस भाई का प्रयोग बहुत कम होता है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक ही वेजिटेबल की बात आएगी तो लोग क्या करते हैं, भाषा को शुद्ध रखने के चक्कर में उस वेजिटेबल का नाम ही बोल देते हैं, और उसमें प्लूरल तो होता ही है, जैसे कैरेट्स, गाजर खरीदने जा रहा है, टमाटर खरीदने जा रहा है, आलू को खरीदने जा रहा है, तो उसमें भी क्या आता है, एस लग जाता है, टमाटोज, पोटैटोज, कैरेट्स, है ना। तो वेजिटेबल का प्रयोग है तो सही, लेकिन इसका प्रयोग ना के बराबर होता है, ना के बराबर। कल को मैं आपको बोल दूंगी वेजिटेबल गलत है, और आप लोग कहीं से इतिहास का पन्ना उठा के ले आओ, तो वेजिटेबल गलत नहीं है, वेजिटेबल है तो सही। डन। हाँ, टिंडा बिंडा सारे सारे लिख लो, घिया विया, ठीक है, आगे चलो। 11वां, अंगिका बताएंगे, आगे आ जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, आगे आ जाएगा, ये आगे आएगा ये क्वेश्चन, चिंता मत करो। ही सेड रिचेज हैज विंग्स, अब इसमें भी एक खेल है छोटा सा, आपने बताया तो सही है, चलो लगभग सभी ने। यार ये इरेज क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट, एक मिनट। चलिए वैसे भी हाँ, चलिए आपको बताते हैं। अब रिच होता है रिच, पुअर होता है, इसका प्लूरल बताना, देखे रिच का प्लूरल बताना बेटा, रिच का प्लूरल और पुअर का प्लूरल बताना, देखे मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ रिच एंड सबाश। शाबाश, बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे, दिमाग लगा रहे हो बहुत अच्छे से, ग्रेट। द रिच होता है और द पुअर होता है सर। अब सर अभी तो आपने रिचेस वहां देखा है, रिचेस, रिचेस है ओ विंग्स। अब कई क्या होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं। रईसों के क्या होते हैं भैया, पंख होते हैं। अब रईसों के पंख होते हैं, इसका मतलब ये तो ना कि रईसों के पंख उग गए हैं और वो आसमान में उड़ रहे हैं, हम जमीन पे चल रहे हैं। पंख होते हैं मतलब वो भैया उनकी, वो बस पूछो मत, उनकी दुनिया अलग ही है, वो उड़ान भरते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनके पास शोहरत होती है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हो। तो यहां पे इसका अर्थ समझो बेटा, ये लैंग्वेज की क्या है, डेकोरेशन है। लैंग्वेज को बेटा लव करो, लव करोगे तो बहुत मजा आएगा, इंग्लिश को लव करना स्टार्ट कर दो। रिचेज हैव विंग्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये सीधी सीधी बात नहीं कह रहा है, ये सीधी बात तो कर नहीं रहा है, ये घुमा के बात कर रहा है, इसका मतलब ये इडियोमेटिक है, सीधी बात करता तो सीधे बोल देता ये। तो यहां पे रिच का रिचेज आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और इडियम में जो जो चीज जैसे छप गई जो है वो वैसे ही रहेगी। वैसे हकीकत में अगर देखा जाए तो, ग्रामेटिकल अगर देखा जाए तो रिच का दा रिच करोगे तो सही रहेगा, ये पूरे क्लास और कैटेगरी को दर्शाता है। अगर पोर का दा पोर करोगे तो ये पूरी क्लास और कैटेगरी को दर्शाता है। तो यहां घबराने वाली बात नहीं है, रिचेज हैज नहीं आएगा, रिचेज हैव आएगा, क्योंकि इसका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ही ऐसा ही है। मेरी बात समझ पा रहे हो, द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज,
आर यू गेटिंग द पॉइंट दैट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ वी कैन डिटरमाइन इट इफ वी मग इट इफ वी जस्ट मतलब रट लेंगे हम इसको तब तो देखो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे यार कभी तो सर कहते हैं कि रिच का दांत रिच होता है ये रिचेस कहां से आ गया और आप सर पकड़ के बैठ जाओगे यार ये क्या चक्कर हुई अब इसको आप एहसास करो कि यहां पे ऐसा क्यों हुआ अब ये विंग्स देखो इसको एक पहले बात तो ये इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगना था चलो ठीक है हाँ तो ये एक तो इन्वर्टेड कॉमास में आया तो एक तो ये वैसे का वैसे रहेगा कि भाई यहां पे इसका एक तो पूरा सही यूज करते हुए करो है आगे यहां पे गॉट इट वेरी गुड शाबाश अब चलते हैं बारहवें में अब चलते हैं बारहवें में बेटा एक घंटा होने को और हमें मालूम नहीं चल रहा है अभी मैंने देखा है समय थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि मजा आए और भी आई आस्क्ड हिम वेयर वॉज हिज स्पेक्टिकल्स बड़ा आज भी अपना नाउन क्लियर नहीं हो पाएगा आई आस्क्ड हिम वेयर वॉज हिज स्पेक्टिकल्स बारहवा बताइए बेटा जी ये क्या कर रहे हो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा यार आप लोग सी क्यों बता रहे हो उसमें बारहवें में आप सी क्या क्या सोच के बता रहे हो मेरे तो समझ के बाहर है आप लोग सी बता रहे हो थोड़ा सा दर्द हो रहा है दर्द इसलिए हो रहा है कल पढ़ाया था आपको मैंने कल पढ़ाया था कि स्पेक्टिकल थोड़ा ना लिखा मैंने या तो स्पेक्टिकल सही लिखा है मैंने मेरी बात समझो यहां पे जो स्पेक्टिकल्स लिखा वो तो सही लिखा है हाँ स्पेक्टिकल्स के साथ प्लूरल आता है यहां वास की जगह क्या आएगा वर आएगा तो बी में एरर है बेटा एरर बी में है और यहां आर नहीं आएगा आर किसने लिखा था आर किसने लिखा था देखो 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 आर भी लिखा था किसी ने आर लिखा था अब तो उठा दिया होगा मैंने देखा था किसी ने आर भी लिखा था आर नहीं आएगा आस्ट आ रहा ना पास्ट आ रहा तो पास्ट की सराउंडिंग होगी यहां पे वास की जगह क्या आएगा वर आएगा ओके इस बार ध्यान रखना ये गलती नहीं करोगे सब लोग सी कर रहे हैं लगभग ये गलती नहीं होनी चाहिए तेरवा ये पढ़ा दिया आपको मैंने ये सारी की सारी बातें पढ़ाई हुई है एक भी ऐसी चीज नहीं है शी सेड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मीजल नो एरर बड़े होशियार हो मैसेज डिलीटेड सर कोई बात नहीं इस बार ध्यान रखूंगा शी सेड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मीजल चलो बहुत बढ़िया भाई समझ में आ जाना चाहिए अपना मकसद एक ही है समझ में आना चाहिए बहुत इजी बेटा ये तो मतलब चाइल्ड्स प्ले यार ये क्या सर ऐसा क्या क्वेश्चन दे दिया सर इतना इजी दे दिया आपने मीजल होता ही नहीं है सर मीजल कोई शब्द ही नहीं होता मीजल्स होता है क्या मीजल्स होता है वेरी गुड चलिए 14th वेरी गुड ये सबका सही है और हाँ नीरज ठाकुर ने एक बात सिखाएगा देखो अभी नीरज ठाकुर ने देखो बेटा एक मिनट रुको नीरज ने मीजल्स के साथ दा लगाया है नीरज ने मीजल्स के साथ क्या लगाया दा लगाया है और ये दा सही है क्या ये बताओ नीरज ठाकुर ने मीजल्स के साथ दा लगाया है आर्टिकल दा मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या नीरज ने यहां पे आर्टिकल दा लगा के सही किया कि गलत किया अब जाने अनजाने में एक बात आपको जरूर सीखने को मिलेगी यहां पे बहुत काम की बात है कि वैसे तो डिजीज के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है वैसे तो बीमारियों के जो नाम होते हैं ना उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है अब कैंसर के साथ दा नहीं लगाएंगे एड्स के साथ दा नहीं लगाएंगे लेकिन मीजल्स मम्स रिकेट्स हां यहां तक प्लेग के साथ भी क्या लग सकता है दा लग सकता है यह जानकारी रख लेना आप यहां तक कि प्लेग के साथ भी क्या लग सकता है दा लग सकता है वैसे ध्यान रखना बेटा दा नहीं लगता है हाँ डिजीज के नाम के साथ दा नहीं लगता लेकिन मीजल्स हुआ मम्स हुआ रिकेट्स हुआ प्लेग इनके साथ दा लग सकता है ये एक विशेष बात बता दी ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सी सेड प्लीज गिव मी ए नाम
14th में क्या आएगा जरा फटाफट बता दीजिए। नीरज तुम्हारा सही है भाई, दा यू आर डैम श्योर, यस यू आर राइट, दा लगेगा, ये तो मैं ही कह रहा हूं। आम नहीं होगा, आर्म्स होगा, ठीक है आर्म्स होगा। और 15वें में आइए, अब 15 में आइए, कोई भी अगर आप आंसर दो तो ऐसे दो, देखो अब 15 का तो 15 डॉट ऐसे आंसर दो जो मैंने अभी टाइप करके भेजा है। वे टू इंग्लिश से एक मैसेज आया होगा आपके पास, वो मेरा ही है, 15 डॉट ऐसे लिखो। अब 15वें का आंसर बताइए, चलते हैं 15वें पे, और 15वां हमें बहुत कुछ सिखाएगा भाई। बिल्कुल सब सही करो, मेनी ऑफ द क्वेश्चन आएगा। अब यहां पे मेरी बात समझना, हमने नाउन को पूरा देखा है तो हम काउंटेबल, और ये लाइन कहां गई, रुके भाई रुके, 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 रुके। हाँ, हमने जब नाउन को पूरा देखा है ठीक है, जब हमने नाउन को पूरा ही देखा है तो क्यों ना काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात नहीं समझे क्या, समझते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और इसके ऊपर आधारित एक पूरा चैप्टर ही है बेटा, जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनर, इज ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव, यस बिकॉज दे आर डिटरमाइनिंग द नाउन, एंड डिटरमिनर क्या करता है, नाउन को ही क्या करता है, डिटरमाइन करता है, और जो नाउन की विशेषता बताता है वो एक तरह से क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो डिटरमिनर भी क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है, तो डिटरमिनर पूरा चैप्टर ही इज नाउन पे डिपेंडेड है, पूरा चैप्टर ही। अब जैसे देख लीजिए, काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, याद है आपको मिस्चीफ वाली कहानी कल पढ़ाई थी बेटा, जरा यस या नो तो बता दो, मिस्चीफ वाली कहानी बताई थी ना, जिसमें मैंने लगभग आपको 40-50 अनकाउंटेबल नाउन बताए थे। सुधांशु मिश्रा गुड इवनिंग, अरे भाई याद है क्या आपको, मैंने आपको अनकाउंटेबल की बात बताई थी, हैं मिस्ट्री वाली कहानी सुनाई थी ना, वो सारे अनकाउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल जिसमें जिसका प्लूरल बने भाई, सीधी सी बात है, जैसे बॉय का बॉयज बन गया वो काउंटेबल है, मालूम नहीं अर्पिता, जब तक बात चल रही है चलने दो, 10 बज सकती है, 10:30 भी बज जाए, पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, जुड़े रहो ठीक है। तो बॉय का बॉयज, बॉय का बॉयज, अब देखो ये हो गया काउंटेबल, अब काउंटेबल का प्लूरल बनता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्यों काउंटेबल का प्लूरल बनता है, और मिस्ट्री वाली कहानी मैंने आपको बताई थी। अब अगर मैं आपसे एक छोटी छोटी बातें पूछूं, एक छोटी सी बात पूछूं आपसे मैं, कि बेटा मनी क्या होता है, मनी मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, जरा आंसर बताना, मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, आई हैव डैश मनी। अब चलिए मैं सिर्फ दो ऑप्शन देता हूं आपको, हालांकि वो ऑप्शन थोड़े से अजीब लगेंगे आपको, मैनी और मच, तो बेटा अगर दोनों है तो मैनी मनी कर दे फिर, आई हैव मैनी मनी, क्यों सोने कश्यप, अगर मनी को हम दोनों माने तो क्या मैं मनी के साथ मैनी लगा सकता हूं, मनी के साथ मैनी नहीं लगा सकता ना, नहीं लगा सकता भाई। अगर कोई आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दे कि मैनी और मच लगाओ, तो बेटा आपका जवाब 100% मुझे बताए मच की तरफ जाएगा, और जब मच की तरफ जब आपका जवाब जाएगा तो इसका पलड़ा अनकाउंटेबल की तरफ जाएगा भाई, ये झुक जाएगा किसकी तरफ, अनकाउंटेबल तरफ, क्योंकि मच का प्रयोग तो अनकाउंटेबल के साथ होता है। अब मेरी बात समझो, इसको हम कैसे समझते हैं,
इसको कैसे समझते, देखो अब अगर मैं यहां पे कहूं कि ही हैज अब यहां पे कॉइन्स क्या है, कॉइन्स को हम प्लूरलाइज कर सकते हैं और नोट को भी हम प्लूरल बना सकते हैं। मेरी बात समझना बेटा, बहुत काम की बात बता रहा हूं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मनी का मनीज भी होता है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ना मनी का मनीज दिखाएगा आपको, वो भी बताऊंगा। लेकिन देखो ग्रामर क्या कहती है उसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे कि भाई कॉइन्स और नोट्स इनका शुद्ध रूप से कोई रोकने वाला नहीं, कोई बाधा नहीं है। भाई कॉइन का कॉइन्स होता है, कोई रोकने वाला नहीं है, नोट का नोट्स होता है, कोई रोकने वाला नहीं। ही हैज मेनी एंशियंट, अरे भाई यहां पे इसका मतलब है एंशियंट, पुराना है ना, एंशियंट। ही हैज मेनी फेक नोट्स, ओके। अब दोनों में मेनी का प्रयोग होगा क्योंकि कॉइन्स और जो नोट्स होते हैं वो काउंटेबल होता है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल इसलिए होता है बिकॉज मनी इज नॉट कैलकुलेटिव, कैलकुलेट नहीं कर सकते मनी को। मनी के अंदर सब कुछ आ जाता है, आपका कॉइन्स भी आ जाता है, आपके नोट्स भी आ जाते हैं, आपकी मशीनरी भी आ जाती है, आपकी एसेट्स भी आ जाती है। मेरा मानना यही है, देखो आपकी एसेट्स भी आ जाती है। मनी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हो गया जिसमें हर चीज आ गई, मेरी बात समझ रहे हो। तो उसको कैलकुलेट करना एकदम से आसान नहीं। आज कोई पूछे कि भाई अंबानी की जो मनी की बात करें तो अंबानी का मनी एकदम से कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है और एप्रिसिएशन भी लगता है। मेरी बात समझो, शेयर वैल्यू भी होती है जो प्लमेट भी होती है और उसका वो एक्सेलरेट भी होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, मनी इज ए ह्यूज कंसेप्ट इन माय पर्सपेक्टिव, जितना मैं सर्च कर पाया हूं, जितना मैं देख पाया हूं, जितना मैं समझ पाया। कॉइन्स और नोट्स क्या होता है, कैलकुलेटिव, जिसको इजिली कैलकुलेट कर सकते, इसलिए डिटरमिनर जो होता है वो मनी का प्रयोग। यहां तक की मेरी बात समझ रहे आप लोग, तो ये कंसेप्ट है। अब जैसे बेटा एक स्टार की बात करते हैं, स्टार, अब मुझे बताओ स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ये मनी का कंसेप्ट तो आपको मैंने क्लियर करवा दिया, अब ये बताओ स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। मैं अभी भी कह रहा हूं मनी का आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो मनीज आपको दिख जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता है, बट ग्रामेटिकली इसको आप मनी का प्रयोग मत कर देना, वहां गड़बड़ हो जाएगी। अब मुझे बताओ स्टार का प्लूरल होता है क्या बेटा, मैं आपसे पूछता हूं स्टार का प्लूरल होता है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं स्टार का प्लूरल होता है क्या शुद्ध रूप से एकदम से। काजल तुमने चलो अनकाउंटेबल बता दिया, चलो मोहम्मद आसिफ आपने भी अनकाउंटेबल बता दिया, सृष्टि राजपूत आपने भी अनकाउंटेबल बता दिया, ज्योति ने भी बता दिया, शालिनी ने भी बता दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ स्टार का प्लूरल होता है क्या शुद्ध रूप से। भाई स्टार्स होता है, किसने मना किया, स्टार क्या होता है, काउंटेबल होता है, स्टार्स काउंटेबल होते हैं। पढ़ा तो है सर, अब सुन लो, जो दिखता है वैसा होता नहीं। आपको लग रहा है स्टार अनकाउंटेबल है लेकिन स्टार काउंटेबल होता है, आपको मनी दिख रहा है काउंटेबल लेकिन मनी अनकाउंटेबल होता है, ये ध्यान रखना बस। अब ये ध्यान रखने वाला है, ठीक है मोहम्मद आसिफ, पढ़ते जाओ बेटा, 80+ स्कोर हो जाएगा, बस पढ़ते जाओ, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते जाओ। हम जैसे नाउन को लेके बैठे हैं तो नाउन को पूरा निचोड़ दो। डू यू नो गन्ना, शुगर कैन, शुगर कैन को कैसे निचोड़ता है वो बंदा, पूरा उसका पूरा जूस निकाल दो। नाउन को पढ़ना है तो पढ़ डालो, उसमें जितना एलिमेंट है पूरा पढ़ डालो। प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन को पूरा पढ़ डालो, वर्ब पढ़ रहे हैं तो वर्ब को पूरा पढ़ डालो। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, जितने भी 50, 60, 100, 150 क्वेश्चन है यार नाउन के जो एग्जाम में रिपीट होते हैं वो पढ़ लो, बस हो जाएगा 80+। क्या कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा सोनी,
तुमने लगाया मून इज ए ब्राइट स्टार, पहली बात तो ए लगा दिया आपने, जब ए लगा ही दिया तो वो तो ए तो काउंटेबल के लिए होता है, आर्टिकल आर्टिकल हमेशा ध्यान रखना काउंटेबल नाउन के साथ आता है, आर्टिकल हमेशा ध्यान रखना काउंटेबल नाउन के साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का ए एन का प्रयोग नहीं होता है, समझ गए? तो हम बात कर रहे थे काउंटेबल की और अनकाउंटेबल की। अब काउंटेबल में कौन कौन से आते हैं? मैनी, सेवरल, वेरियस, ठीक है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, सम, ये सब। हालांकि एनी भी आता है, ऐसी बात नहीं है, एनी तो दोनों तरफ आता है, एनी एनी दोनों तरफ का है, एनी अनकाउंटेबल, एनी मच, लिटल, अ लिटल, द लिटल, ये ध्यान रखना बेटा, ये सब किसके साथ आते हैं? अनकाउंटेबल के साथ आते हैं। काउंटेबल में बोथ, ठीक है, ये सब बिल्कुल आएगी, क्लास क्यों नहीं आएगी? एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा क्लियर करवा दूंगा मैं, अमृता कुमारी, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां पे मैनी क्या आ गया? मैनी आता है, क्या बताऊं काजल, क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या पूछे? डॉलर, डॉलर काउंटेबल है, डॉलर काउंटेबल है, ठीक है काजल, डन। हाँ लिटिल बेटा क्या पूछा है? द लिटिल तो अनकाउंटेबल, बिल्कुल द लिटिल अनकाउंटेबल, देखो देख लो, द लिटिल अनकाउंटेबल के नीचे लिखा बेटा, सोनी कश्यप देख लो बेटा, ओके सोनी का भी क्लियर हो गया, काजल का भी भाई हिसाब किताब क्लियर हो गया यहां तक, चलिए आगे, अब चलते हैं आगे। तो मैनी ऑफ द क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन होगा। अरे निकिता तेरा छठवा छूट गया क्या? चलो 20 होते याद दिला देना छठवा, ठीक है निकिता, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बेटा, निकिता 20 होते ही छठवा याद दिला देना, ठीक है, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है 20 होते ही। आगे चलो सोलवे पे, सोलवे पे चलो, अभी तो क्वेश्चन बाकी है, अभी तो 20 क्वेश्चन और करेंगे मोहम्मद आसिफ, 20 क्वेश्चन और करेंगे अभी तो। चलिए सोलवा बताओ, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, चलो बताओ देंगे, सोलवा बताओ फटाफट, नहीं हुआ म्यूटेड, सोलवे का आंसर आने दो फटाफट, राहुल अग्रवाल बता रहे हैं सोलवे में ए, ज्योति शर्मा बता रहे हैं, अंगिका बता रहे हैं ए, ज्योति बता रहे हैं बी, निशी कुमारी बता रहे हैं सोलवे में ए, हाँ विराट और अनुष्का आए थे आज 6 बजे, ठीक है, अब सुनो यहां पे मैनेजर क्यों तो लेके कोई बात है ही नहीं, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियन नहीं होगा, नंबर ऑफ बहुत ज्यादा है तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा बेटा? क्राइटेरिया, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा बेटा? क्राइटेरिया होगा, यहां पे नंबर ऑफ के साथ क्राइटेरियन नहीं आएगा, यहां पे प्लूरल की आवश्यकता है तो यहां पे क्राइटेरिया आएगा, मैं पेन जो है चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, यहां पे क्या आएगा? क्राइटेरियन नहीं आएगा, क्या आएगा? क्राइटेरिया आएगा, ओके मैनेजर वाला तो सही है, द मैनेजर कोई दिक्कत नहीं इसमें, चलो आगे 17वें पे चलते हैं, अब 17वें पे चलते हैं,
विराट और अनुष्का मोहम्मद आसिफ अन अकेडमी पे आए थे, अपनी जो स्ट्रगल है उन्होंने उसको बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने सक्सेस को प्राप्त किया और बच्चों को मोटिवेट किया था। क्योंकि लीजेंड्स की जब बात आती है तो इससे पहले किरण बेदी और शशि थरूर, इन दिनों किरण बेदी और शशि थरूर और अभी आज विराट कोहली और अनुष्का, ये सब सेलिब्रिटीज आए थे जिन्होंने काफी कुछ मोटिवेट किया, बच्चों को बताया। सत्रहवें में शिप्स, अब ये जो सिंगुलर प्लूरल वाला खेल है बेटा, ध्यान रखना। अब शिव का क्या होगा, शिव्स, अच्छा शिव्स होता क्या है, पुलिंदा, पुलिंदा जो जो वीट, जो गेहूं के जो पुलिंदे हैं उनकी बात चल रही है, पुलिंदों की बात चल रही है। तो यहां पे क्या आएगा, शिव्स आएगा, शेल्स नहीं, शिव्स। ओके, ये जो एफ एस है ये वीई एस में बदल जाएगा। ओके, अब चलिए 18वें पे, अब चलिए 18वें पे। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। 18वां बताइए, मालूम है आपको, अभी तो पढ़ाया था। यहां पे सिस्टर्स इन लॉ होगा, सी कहां चले गए, एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सी तो एकदम सही है। ये देखो ना, इधर ऑल लग रहा है, तो ऑल लग रहा है तो इसका प्लूरल तो करो, सिस्टर्स इन लॉ। अब समझ में आया होगा आपको, वेरी गुड। 19th, बताओ, टू समन्स समन्स, बेटा ध्यान रखना समन्स का प्लूरल बनता है। समन्स का भी प्लूरल बनता है, बुलावा पत्र कोर्ट के द्वारा, ध्यान रखना। समन्सेज होगा। ओके, वेरी गुड। 20वां और बता दो, इसमें कुछ सीखने वाली बात है। बीस और बता दो। हाँ भाई, 19 में सी सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब 20वां देखो भाई, ठीक है, अब 20वें को समझते हैं, ये 20वां क्या कह रहा है। शीप एंटेलोप फिश, ठीक है, और एक संदर्भ में अगर बफेलो की बात करें, इनकी बात कर लेते बेटा, ये प्लूरल और सिंगुलर
दोनों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा शिप्स नहीं होगा, अच्छा डियर भी इसमें एक हिरन भी आ जाता, चलो डियर की भी बात कर लेते हैं, फिशर्स नहीं होगा, डियर्स नहीं होगा, इज दिस क्लियर? नहीं बनता, इनका प्लूरल नहीं बनता भाई। ओके हाँ, यह बात अलग है कि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रयोग में आ सकती है, आर भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। ओके, अब एक यहां पे एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, एक छोटी सी बात, छोटी सी बात है, बड़ी काम की बात है, ध्यान रखना, नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। फिश की मैंने आपको कह तो दिया कि फिश का फिशेज नहीं होता, लेकिन एक संदर्भ में फिशेज होता है, एक संदर्भ में फिशेज होता है जब वेरियस लग जाता है, वेरियस फिशेज। बेटा ये याद रख लेना कि वेरियस लगने पे फिश का प्लूरल बन सकता है, वेरियस लगने पे फिश का प्लूरल बन सकता है, एनी डाउट? वेरियस लगने पे फिश का प्लूरल, अब वेरियस मतलब अलग अलग प्रकार की, ओके, वेराइटी ऑफ, बिल्कुल ओके हाँ भाई। अब छठवा देख लेते हैं, छठवे मैंने आपको यह बताया था, निकिता राठी का क्वेश्चन था, छठवा क्वेश्चन देखो पहले तो, ए फाइव मैन कमिटी, निकिता राठी सुन रहे हो बेटा, कमिटी क्या है? कमिटी मैंने आपको बताया था, कमिटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और दूसरी बात ए भाई, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक मुस्त होता है, एक मुस्त, कमिटी मतलब एक मुस्त, एक यूनिट होता है। अब यहां पे ए फाइव मैन, पांच आदमी की क्या हो गई? एक कमेटी हो गई, तो यहां पे फाइव मैन ना होके क्या होगा? फाइव मैन होगा, फाइव मैन नहीं करेंगे, फाइव मैन करते तो इसकी क्या हो गई? जो एक मुस्त वाली जो बात है ना, जो एक यूनाइटेड फॉर्म है वो टूट जाता है, तो यहां मैन नहीं करके, यहां जो मैन है उसको हटा के क्या कर देंगे? मैन कर देंगे। इज दिस क्लियर? निकिता राठी क्लियर हो गया? कमिटी एक कलेक्टिव फॉर्म है, कल की क्लास अगर आपने नहीं ली तो देख लेना, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, वो एक यूनिट फॉर्म में रहता है, तो उसको यूनिट फॉर्म में ही रहने दीजिए, उसको प्लूरलाइज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आर्टिकल इंडेफिनेट एक को दर्शा रहा है, ये भी एक को दर्शा रहा है, ये दो इंडिकेशन है यहां पे। निकिता क्लियर? ओके हाँ, मेंबर ही होगा बेटा, कुमारी अमृता कुमारी, अगर मेंबर्स कर दोगे ना तो अनर्थ हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, अब देखो भाई, अब मेरी बात सुनो सब लोग, कल आपका टेस्ट ले लूंगे ना उनका, ये बताओ, तब तो इस क्लास को यहां खत्म करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या कल नाउन का टेस्ट ले लूं आपका? क्या कल आपका नाउन का टेस्ट ले लूं? अच्छा, टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आज तो हमने प्रैक्टिस टेस्ट लिया एक तरह से, ये तो प्रैक्टिस थी, कल मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको आंसर देना है। ओके, ईमानदारी से मैं कल एक रजिस्टर लेकर बैठूंगा और उसमें आप सबके आंसर देखूंगा, जो जीता वो सिकंदर, उसको इनाम मिलेगा, नो डाउट। ओके, उसको प्राइज मिलता है हमेशा, आप ध्यान रखना, मेरी क्लास में प्राइज थ्योरी होती है, एक छोटा सा प्राइज, देखो रिवार्ड तो होना ही चाहिए, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर दिया जाता है उसको। ओके, तो कल आपका एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे नाउन के, 25 नहीं, चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं,
50 क्वेश्चंस कर देते हैं, 50 क्वेश्चंस कर देते हैं। ओके डन। चलिए फिर आज की क्लास तो यही वाइंड अप करते हैं। आज नाउन अपना पूरा हो गया भाई, आज हमने नाउन पूरा कर लिया। एक बार समरी देख लेते हैं। समरी में यही था कि हमने नाउन के प्रकार देख लिए पांचों, पहली बात, नाउन के जेंडर, फिर नंबर और काउंट और अनकाउंट, और पांचवी चीज नाउन एज एपोस्ट्रोफी एस। हर नाउन के एलिमेंट को हमने पढ़ डाला, इसलिए हमारा नाउन हो गया 100%। अब कोई दिक्कत नहीं है। मैनी होगा तो फिश होगा बेटा, सृष्टि राजपूत। अगर मैनी होगा तो फिश ही होगा, ध्यान रखना, फिशेज नहीं होगा। अंगिका आपका क्वेश्चन क्या था? ऑल वुमेन। यहां पे वुमेन का बेटा प्लूरल करना पड़ेगा आपको। वुमेन का प्लूरलाइज करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा आपको। ओके अंगिका। चलिए भाई हो गया। चलो भाई आज के लिए इतना ही, कल हम टेस्ट में मिलेंगे 8 बजे फिक्स। ओके चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। आज अपना नाउन पूरा हो गया, नया काम नहीं छेड़ेंगे, प्रनाउन को हम परसों से लेंगे, कल सिर्फ टेस्ट है। ओके फिशेज होता है तपस, अगर वेराइटी ऑफ फिशेज हो जाए और वेरियस लग जाए। तपस किसने कहा फिशेज नहीं होता, होता है अगर वेरियस लग जाए तो। ओके तपस बेटा फिशेज होता है जब वेरियस लग जाए, बाकी नहीं होता फिशेज, बाकी फिश का प्लूरल नहीं बनता। ओके बाय। टेस्ट यही होगा अपने लेट्स क्रैक डिफेंस पे, ज्योति इसी चैनल पे होगा। हाँ आपके टेस्ट का आंकलन मैं करूंगा, नंबर्स मैं लिखूंगा रजिस्टर में, किसने कितना किया। एक निश्चित टाइम दूंगा आपको, स्टॉप वॉच दूंगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चलिए बाय बाय।